चैनल के जगह अगर एंगल लोहा लगाएंगे और 14 इंच बेलन के जगह 12 इंच का बेलन लगाएंगे तो प्राइस जिस तरह बढ़ा है उस तरह घटेगा। दरभंगा और मधुबनी में क्या होता है कि वहाँ 16 इंच का बड़ा वाला थाली चलता है, तो उसके लिए डबल ब्लॉक बैरिंग जो आता है इस टाइप का, ये डबल ब्लॉक बैरिंग है, 18 इंच बेलन है, 18x18 प्लेट है, तो इस टाइप का जो है मशीन परचेज करेंगे। तो नया पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग जो है सिंगल डाई मशीन जो है सोचते हैं कि कम पूंजी में सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन लेकर के और नया पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर ले। बढ़िया जानकारी देने वाला और बढ़िया लाइन रास्ता देने वाला जो है कंपनी के अगर कोई आदमी हो या कंपनी वाला हो तो वो सिंगल डाई का ही लोगों को सजेशन। नए लोग जो है वो कभी डबल डाई मशीन से जो है अपना बिजनेस स्टार्ट न करते हैं। ऐसे में लोगों का सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि हम डबल ब्लॉक वायरिंग मशीन कौन सा खरीदे या सिंगल ब्लॉक वायरिंग मशीन खरीदे, क्या समानता है, क्या प्राइस में डिफरेंस है, इन तरीकों का जो है उन्हें डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा डाउट उनका क्लियर करने वाला हूँ और पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ कि चैनल बॉडी में क्या फ़र्क है, एंगल बॉडी में क्या फ़र्क है, डबल ब्लॉक वायरिंग क्या है, सिंगल ब्लॉक वायरिंग क्या है और डबल ब्लॉक वायरिंग का प्राइस ज़्यादा क्यों है, सिंगल ब्लॉक वायरिंग का प्राइस कम क्यों है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा मशीन सही चलता है, इन सभी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं ये सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बैरिंग के मशीन है और जस्ट इसके बगल में ये डबल ब्लॉक बैरिंग की मशीन है। अगर इसमें मैं दिखाऊं आपको तो दोनों का बॉडी जो है वो चैनल बॉडी में ही है, कलर भी सेम है, मोटर इसमें भी 1 HP का है और उसमें भी मोटर 1 HP का है, तो आखिर डिफरेंट क्या है इस दोनों में, तो मैं बता दूं। देखिए इसमें सिंगल ब्लॉक बैरिंग दिया गया है और नी बेलन जो इसमें दिया गया है वो बेलन दिया गया है 13 इंच का, सॉरी बेलन जो इसमें दिया गया है वो बेलन 14 इंच का दिया गया है, यानी आप इसमें 4 इंच से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। अब 4 इंच से 14 तक क्यों नहीं बना सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला बात तो जितना इंच का बेलन है उससे 1 इंच कम ही पेपर इसमें जाएगा, तो 14 का बेलन है तो 13 का पेपर जाएगा, तो 13 इंच का आप थाली बना लीजिएगा। अब देखिए डाई का वज़न क्या होता है, डाई काफ़ी वज़नदार होता है। अब सिंगल ब्लॉक बैरिंग में हम 14 इंच का डाई इसमें अगर लगाएंगे 14 का 15 का या 16 का बेलन दे करके तो क्या हो जाता है कि हमारा बैरिंग टूट जाता है, तो बैरिंग टूट जाता है तो इससे क्या हो जाते हैं कस्टमर परेशान हो जाते हैं। अब प्राइस डिफरेंस के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, सिंगल ब्लॉक बैरिंग का रेंज जो होता है वो 42 से लेके और 45,000 के रेंज में होता है और डबल ब्लॉक बैरिंग का जो रेंज होता है वो होता है 48,000 से लेके और 55,000 के रेंज में आता है। तो ये रेंज में क्या हो जाता है, देखिए अगर हम देखें प्राइस डिफरेंस देखें तो ज़्यादा नहीं 4,000 से 5,000 रुपया का यहाँ प्राइस डिफरेंस हमें मिल रहा है, लेकिन उसी 5,000 रुपया में 2 बैरिंग के जगह 4 बैरिंग, 14 इंच बेलन के जगह 16 और 18 इंच का बेलन, 14x14 प्लेट के जगह
18x18 प्लेट के जगह, तो मशीन में अगर पार्ट्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा। तो क्या होता है कि लगभग लगभग 5000 रुपया के करीब में सिंगल ब्लॉक बैरिंग की अपेक्षा डबल ब्लॉक बैरिंग बनाने में जो है कॉस्ट कम लगता है। तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले जो ओनर होते हैं वो जो है सिंगल डाई की अपेक्षा सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बैरिंग की अपेक्षा डबल ब्लॉक बैरिंग का 5000 प्राइस एक्स्ट्रा होता है। तो प्राइस डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। अब देखिए किन लोगों को, अगर आपका एरिया में 12 या 13 इंच तक ही डिमांड है तो आप 5000 ज़्यादा क्यों लगाइएगा। चैनल बॉडी वाला 13 इंच तक डाई चलाना है तो 14 इंच बेलन में हम इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ गलती क्या लोग करते हैं कि मैं बोल दिया कि आपको डबल ब्लॉक बैरिंग का ज़रूरी नहीं है, सिंगल ब्लॉक बैरिंग ले लीजिए, लेकिन लोग क्या करते हैं कि 14 इंच बेलन के जगह 13 इंच बेलन वाला मशीन खरीदते हैं, 12 इंच बेलन वाला मशीन खरीदते हैं, चैनल बॉडी के जगह एंगल बॉडी वाला मशीन खरीदते हैं। बताइए तो क्या हो जाता है 5000, जाहिर सी बात है अगर सिंगल ब्लॉक बैरिंग मशीन की अपेक्षा डबल ब्लॉक बैरिंग का जो है प्राइस बढ़ रहा है तो हम इस जगह चैनल के जगह अगर एंगल लोहा लगाएंगे और 14 इंच बेलन के जगह 12 इंच का बेलन लगाएंगे तो प्राइस जिस तरह बढ़ा है उस तरह घटेगा भी। तो 40 का मशीन 35 में और 35 का मशीन 30 में, तो यही मार्केट का सच्चाई है। अब यही लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई बताओ कि हर जगह मशीन का अलग अलग रेट क्यों रहता है। तो रेट सबसे बड़ा इधर उधर होने का आप लोगों का रीज़न यही है कि पार्ट्स, अच्छा पार्ट्स, अच्छा बेल्ट और अच्छा क्वालिटी का लोहा में अगर मशीन परचेज कीजिएगा तो जो है रेट आपका लगेगा ही। अब लो क्वालिटी का मशीन लीजिएगा तो रेट कम लगेगा। तो बिजनेस जो है स्टार्ट करने से पहले ये मेरे बताने से जो है ज़्यादा आप पे निर्भर करेगा। जब आप डिसाइड कीजिएगा कि हमारे एरिया में 13 इंच का डाई चलता है तो 13 इंच का डाई चलाने के लिए हमें जो है वो सही होगा 14 इंच बेलन। अगर आपको जैसे दरभंगा और मधुबनी में क्या होता है कि वहाँ 16 इंच का बड़ा वाला थाली चलता है तो उसके लिए डबल ब्लॉक बैरिंग जो आता है इस टाइप का, ये डबल ब्लॉक बैरिंग है, 18 इंच बेलन है, 18x18 प्लेट है, तो इस टाइप का जो है मशीन परचेज करेंगे। तो ये डिमांड के अनुसार, अब 5000-4000 रुपया बढ़ रहा है घट रहा है, इसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम गलती कर दीजिएगा तो आपका बिजनेस का जो है आप न्यू डालने चले हैं वो न्यू ही खराब हो जाएगा तो उसका इमारत कैसे खड़ा होगा। ये इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस में, तो ये सोच समझकर और इन बारीकियों को देखकर जो है मशीन परचेज करना चाहिए। अभी मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में हूँ, कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप देख पा रहे हैं और भी बहुत सारा मशीन बनाया जाता है, लाइक रॉ मटेरियल की मशीन, डबल डाई मशीन, सिंगल डाई मशीन, तो यहाँ विजिट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल प्लांट में भी विजिट कर सकते हैं और अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए कि सिंगल डाई मशीन कौन सी लेने चाहिए और इसमें कौन कौन सा जो है आइटम बन जाएगा और जो है प्राइस डिफरेंट क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। तो इस तरीके का अगर मशीन और मटेरियल को आप परचेज करना चाहते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि मशीनों को जो है बनाया जाता है, रॉ मटेरियल को बनाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद घर पे भी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि कृष्णा इंटरप्राइज मेन रोड के एकदम ठीक साइड में है, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर पे लोकेशन लेके आसानी रूप से यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।